गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का हिस्सा है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी कोई अचानक ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है कि आपको बहुत तेजी से भागना है, दौड़ना है, तो उस परिस्थिति में आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर के विभिन्न ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेटेड करके काम करेंगे। जैसे हाथ पैर तेजी से भागेंगे तो उनको काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा उनको मिलेगी ब्लड के द्वारा। ब्लड पंप होगा हार्ट के द्वारा, तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट को काम करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो लंग्स जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए क्या करेंगे, तेजी के साथ सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, लंग्स भी काम करेंगे। प्लस यदि आप दौड़ रहे हैं तो आंखों को भी बहुत तेजी से सामने से देखना पड़ेगा, किसी चीज से टकरा ना जाए। कान अलर्ट रहेंगे कुछ चीज सुनने के लिए कि किधर भागना है, किधर रुकना है। इस तरह से जब भी हम कोई काम करते हैं तो शरीर के सभी अंग मिलकर एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में एक काम को अंजाम देते हैं। यही इस चैप्टर में हमको बताया गया है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अलावा जो हमारे मस्कुलर सिस्टम है, ये भी हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज द मॉनिटर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अवर बॉडी। ब्रेन के द्वारा प्राप्त होने वाले आदेश हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को कोऑर्डिनेटेड करते हैं और एक काम को अंजाम देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी ब्रेन से लेकर नीचे रीढ़ की हड्डी जो खोखली रहती है उसके अंदर जाने वाले न्यूरॉन का हिस्सा है। ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व है उनको क्रैनियल नर्व कहते हैं, और ये 12 पेयर रहती है शरीर के दोनों हिस्सों में, लेफ्ट और राइट साइड 12 पेयर क्रैनियल नर्व रहती है। ये नर्व डिफरेंट टाइप की रहती है, जिनमें से मान के चलिए आप सबसे पहली है ऑर्सेंट्रिक, दूसरी है ऑप्टिक, तीसरी है ऑक्यूलोमोटर, चौथी है ट्रोक्लियर, पांचवी ट्राइस्पाइनल, छठवी है एब्डुसेंस, ठीक है, सातवीं आपकी स्पाइनल एसेसरी, आठवीं ऑडिटरी, ठीक है, नौवीं है प्रोमोटर, दसवीं है लिगस। उस तरह की डिफरेंट टाइप की जो नर्व है, ये नर्व अलग अलग शरीर पेशियों से निकलकर शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को जाती है। ऑल्फैक्ट्री जो है नोज से रिलेटेड है, हमारे नाक में किस तरह की गंध आ रही है ये सब पता चलता है। हम कौन सा भोजन कर रहे हैं तो नाक जो है डिफरेंट टाइप की स्मेल का पता लगाने का काम करती है ऑल्फैक्ट्री न्यूरॉन के द्वारा। ऑप्टिक न्यूरॉन जो है हमारी आंखों से रिलेटेड है। इसी तरह ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइस्पाइनल, ये सब जो रहती है ये हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं और शरीर के कामों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ब्रेन जो है अपना काम न्यूरॉन के द्वारा करता है और स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व के द्वारा अपना काम करती है। ये 33 पेयर है स्पाइनल नर्व, उनके भी अलग अलग नाम है। आप देखेंगे प्राय दो प्रकार की नर्व रहती है। एक नर्व रहती है एफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन को हम कह सकते हैं ये एक तरह का सेंसरी न्यूरॉन है। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन के पास ले जाता है। और दूसरी जो न्यूरॉन रहती है उनको हम इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। इसके दूसरा नाम मोटर न्यूरॉन भी दे सकते हैं। और ये ब्रेन से ऑर्डर लेकर संबंधित ऑर्गन के पास लेके जाता है। ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन
टू डिफरेंट बॉडी पार्ट और बॉडी ऑर्गन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन अपना काम करवाता है। तो क्रैनियल नर्व के बाद हम यदि सिंपल न्यूरॉन की बात करें तो सिंपल न्यूरॉन एक स्टार्शेप स्ट्रक्चर रहता है। दिस न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। ब्रेन जो भी काम करता है वो न्यूरॉन के द्वारा करता है। तो ये जो न्यूरॉन है इसमें ये जो हिस्सा है इसको हम कह सकते हैं साइटोन या सेल बॉडी इसको कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिनको निसेंस ग्रेन्यूल कहा जाता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। डेंड्राइट फ्री न्यूरॉन रहते हैं, ये सेंस रिसीव करने का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के सेंस को रिसीव करने का काम डेंड्राइट करते हैं। ये जो लॉन्ग आर्म दिखाई दे रही है इसको एक्सोन कहा जाता है। और जो हमारा मैसेज चलता है ये साइटोन टू एक्सोन चलता है। इसको ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, तो ए से बी की ओर फ्रॉम साइटोन टू एक्सोन ये हमारा जो मैसेज है वो रन करता है। ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है। कुछ सेल पाई जाती है इनको स्वान सेल कहते हैं। और ये कवरिंग जो रहती है माइलिन शीथ की रहती है। जिनमें माइलिन शीथ की कवरिंग रहती है उनको माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और जिनमें ये नहीं रहती उनको नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। न्यूरॉन का जो ट्रांसएक्शन होता है वो इनके द्वारा चलता है। जो बीच में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं उनको हम नोड ऑफ हैनिगन कहते हैं। ये सिनेप्टिक नोड्स रहते हैं जिनके अंदर एसिटाइलकोलिन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर भरे रहते हैं। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे न्यूरोन का मैसेज पहुंचाने का काम इस तरह से करते हैं। एक सेल के डेंड्रॉन दूसरे सेल का एक्सोन इस तरह से आपस में मिलकर क्या करते हैं, सेल टू सेल इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यदि हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बता रहे हैं, यानी ये सीधा वाला हिस्सा बता रहे हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पूरे हाथ पैर यानी अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है वहां तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। दो प्रकार के हैं ये भी, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से वोलेंट्री मसल्स को, वोलेंट्री मसल्स का मतलब होता है हमारे हाथ पैर की मसल्स को इंफॉर्मेशन ले जाने का काम सोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलेंट्री मसल्स को इंफॉर्मेशन और ऑर्डर ले जाने का काम करेगा। और इसमें बेसिकली आते हैं आपके विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन जो रहते हैं वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। तो आप कह सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीजें रहेंगी, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रहेगा और एक रहेगा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब आप तेजी से भाग रहे हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि हार्ट बीट तेज हो जाएगी, और जब आप रुक रहे हैं तो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, हार्ट बीट को नॉर्मल करने का काम कर देगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। और पैरासिंपैथेटिक क्या करता है, ये नॉर्मल कर देता है, हार्ट बीट को नॉर्मल कर देगा, सांस लेने की रफ्तार को नॉर्मल कर देगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन अपने साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड, एफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और साथ साथ सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ही काम करता है। कल हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।